कोई बहुत ही किसी का नई नई विवाह हुआ, एक लड़की का घर में बहुत सफाई, उनके घर में बहुत सफाई थी लड़की वालों के घर में। अब उसने देखा नहीं, जब वहां पर गांव गई ससुराल में, तो वहां पर खूब गंदी नाली, ओपन स्वेज है, वहां पर गंदा सा घर है, बदबू बहुत आ रही है। अब वो तो हाथ नाक पकड़ के मैं कहां पर फंस गई। अब नई नवेली दुल्हन है, क्या करे क्या बोले बेचारी। पुराने जमाने में कोई तलाक वलाक तो होता नहीं था, हमारे हिंदुओं में तो वैसे है भी नहीं। तो खैर, अब बहू बोले क्या करे, बहू अपनी सास को बोलती है, बोले चलो ऐसा करते हैं कि मैं अपने सास को बोलती हूँ कि माता जी बदबू बहुत आ रही है, कुछ सफाई सफाई, क्योंकि एक प्रथा होती है कि एक दो दिन बाद बहू काम करती है, या हफ्ते, पुराने जमाने में हफ्ते दो हफ्ते बाद ऐसे काम करती थी, एकदम आते ही काम नहीं करने लग जाती। अब बेचारी नई नवेली बहू सास को बोलती है, माता जी थोड़ा सा सफाई वगैरह करवा दो, जब बोलो तो मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, तू आराम से बैठी, चिंता मत कर, तो 3 दिन की बात है, 3 दिन के बाद तेरे को बदबू नहीं आएगी। अब बहू सोची ये तो अच्छा है, शायद 3 दिन में सफाई सफाई हो जाएगी। अब बहू ने बोला चलो कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए अपना नाक वगैरह बंद कर लेती हूँ तो सह लेती हूँ। अब बहू ने 3 दिन तो नाक बंद कर लिया, जबरदस्ती बदबू चल रही है। अब सास को या वहां के रहने वालों को तो इतनी आदत नहीं थी सफाई की, उन्होंने भी 3 दिन कोई सफाई सफाई नहीं की। अंत में क्या हुआ कि उसको बदबू आना ही बंद हो गया। वही हाल हमारा है, हमारा संबंध भगवान से है, परंतु इस संसार में आने से हमको ये संसार की बदबू आनी बंद हो गई है, बदबू वहीं पर है, हमारा नाक उसको उसको एडजस्ट हो गया इस भौतिकवाद में। तो इस भौतिकवाद से निकलना और भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, सफाई तो करनी पड़ेगी। और यहां पर जो सफाई है, कई बार हम देखते हैं कि कई बार कोई भक्ति शुद्ध भक्ति में आता है, मंदिर में आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग जाता है, पहले तो कई बार परिवार वाले उसको बहुत आपत्ति करते हैं, कई बार अरे क्या है भक्ति कर रहे हो, क्या है ये माला कर रहे हो। कोई व्यक्ति टेलीविजन देखता है तो उसको कोई नहीं रोकता, कोई डांस वांस करने जाते हैं, फिल्मी सॉन्ग करने जाते हैं, कोई नहीं रोकता, परंतु जब भगवान की जब भक्ति करता है तो कई बार परिवार वाले उसमें रोक टोक करने लग जाते हैं। तो कई बार देखते हैं कि जो भक्ति कर रहा है मगर उसमें अभी कोई गलतियां करता है, महामंत्र जप कर रहा है, माँ बोलेगी अरे क्या भक्त बना है, अभी भी तो ऐसी ऐसी बातें करता है, झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो कहाँ का भक्त बना है, ऊपर से माला टीका लगाया है, माला पहनी है, हरे कृष्णा कर रहा है, मगर अभी भी इतनी कमियां हैं। अरे उसका जवाब भगवान गीता में कहते हैं, उसका जवाब दिया है भगवान, आप सोचिए करोड़ों करोड़ों जन्मों की गंदगी भरी पड़ी है हमारे अंदर, वो बेचारे ने आज भक्ति शुरू की है, उस लड़की ने या लड़के ने या किसी ने भी, किसी परिवार वाले ने आज भक्ति शुरू की है, अरे काफी चीजें छोड़ दी हैं, कभी कोई दोष भी है उसमें तो भी थोड़ा सा समय दीजिए, करोड़ों करोड़ों की जन्मों की जो गंदगी निकली एक ही 1 साल में ही निकल जाएगी, समय लगता है, काफी कुछ छोड़ा व्यक्ति ने। भगवान कहते हैं अपि चेत् शूद्राचारो भजते मम नन्यवान साधुरेव समन्वितः सम्यग्य विवस्तु हि सः क्षिप्रम भक्ति भक्ति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता अपनश्यति। कोई दुराचारी भी है, आचार व्यवहार कैसे करना है, दुराचारी है, गलत कर रहा है, दुराचारी है, दुराचारी भी भक्ति कर रहा है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं दुराचारी हूं, कभी उससे गलतियां हो रही हैं जानबूझकर, जान जाने में कैसे भी, भगवान कहते हैं फिर भी उसको साधु समझा जाए, क्यों, क्योंकि वो सफाई करने में लगा हुआ है, अपने मन की चित्त की सफाई करने में, महामंत्र के जप से, कृष्ण नाम के जप से वो सफाई करने में लगा हुआ है, थोड़ी देर ठहर जाइए सफाई हो जाएगी,